और एक्चुअली से ऐसे खाते हैं, राइट साइड में पकड़ के चमचा और ये छुरी। चमचा तो है ही नहीं, चमचा फंसाना है पहले, फिर छुरी से ऐसे काटना। अरे पर चमचा पकड़ा ही नहीं आपने, फिर तो चमचे को, ये हम चमचा ही कहते हैं, नूडल वाला चमचा ये नूडल वाला चमचा है। तो अब punch because he was 1 hour late. This fellow, this guy who is hiding, 1 hour late. Kia ora, namaste and welcome back to another video. It's a beautiful morning today aur hum ja rahe ride par. As you know, weekend pe agar mujhe chutti mile to main mauka nahi chhodta. Choti si ride hai, dopahar ke 3 baje tak ghar par aa jana chahiye. We going to Karanga Hockey Coach. Hum total 4 rider hai. Wahi apna usual meeting point. Aage we will be meeting at Rosal BP aur fir wahi pe coffee briefing, do's and don'ts about the ride aur fir wahan se shuru. Mera naam bahut badnaam hai ki main late aata hu. तो मैं कोशिश करूँ कि आज टाइम पे पहुँचूँ। फर्स्ट थिंग आई थॉट व्हेन आई गॉट अप वाज मुझे आज टाइम पे पहुँचना है, क्योंकि आज अगर मैं लेट पूछा ना तो फिर शर्मा जी ताना मार मार के मेरी जान ले लेंगे। आई होप कि मैं उनके पहले पहुँचूँ। चलो देखते हैं। और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। As you guys know, this is our usual meetup spot. Usually, cafe के सामने होते सारे, वहीं जाएंगे सीधा। Let's see, is anyone here? Surprisingly, I'm the first one. Yes, आज ताना नहीं मिलेगा। Alright, चलो बाकियों का इंतजार करेंगे। तब तक मैं पीऊंगा कॉफी। So today's ride, we are going to the destination named Karanga Ke Gorge. That's near Waikato. I think it's Waikato. हिंदी भी चलेगा, फिर वापस करते हैं। कट सॉरी वी फॉरगॉट, सॉरी वी हैव टू डू इट इन इंग्लिश फॉर शेयर, अदरवाइज ही विल फील लेफ्ट आउट। ओके सो टुडेस डेस्टिनेशन इज Karanga Ke Gorge, सो वी विल बी गोइंग देयर फ्रॉम हियर व्हिच इज अबाउट एन आवर ड्राइव फ्रॉम हियर एंड देन आफ्टर दैट ऑन द वे देयर वी विल स्टॉप एट एलएनपी कैफे, वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड मॉर्निंग टी देयर एंड आफ्टर दैट इट्स अबाउट 15 मिनट्स राइड फ्रॉम द एलएनपी कैफे टू द गॉर्ज एंड देन वी विल स्पेंड अबाउट hour and a half there walking, filming and then whatever you guys want to do, and then on the way back you'll stop again LNP cafe, have our lunch, and then we can go to either the gold mine you mentioned yesterday or we can just come back. So that's the plan, and then Mr. we will lead today. Sweet, late, no worries. Any questions about paying for lunch? He's pretty confident about it. Let me check my bank account. Sharma ji, aapka koi sawal? Nahi, ride on please. बज रहे 8, सो हम 1 घंटा लेट है बिकॉज ऑफ दिस गाय। शे अपना अलार्म लगाना भूल गया एंड ही वॉज लेट, सो ही इज गोना पे फॉर आवर लंच टुडे एंड द राइड बिगिंस। सो हमारा फर्स्ट हॉल्ट है LNP कैफे, जो कि यहाँ से 86 किलोमीटर्स पे है। इट शुड नॉट टेक अस मोर देन आर एंड हाफ। आज की राइड काफ़ी रिलैक्स होने वाली है, वी आर नॉट इन अ रश। ऐसे कुछ नहीं कि इतना डिस्टेंस कवर करना है, उतना करना है। विल जस्ट चिल, हैव अ गुड टाइम, दैट्स द प्लान, एंजॉय द रोड। सो मोटरवे 17 किलोमीटर्स, उसके बाद हम एग्जिट लेंगे एंड देन द फन बिगिंस। पेट्रोल इतना सस्ता है यहाँ पर। हम पहुँचे नाथिया, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, ऑन द वे टू एलएनपी कैफे। ये वेदर लगने में ऐसे लग रहा है सनी, बट है नहीं, इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड और क्लाउड भी हो रहा है धीरे धीरे। आई होप कि इट डजंट रेन। मेरे हाथ एकदम सुन पड़ गए,
मैंने फिर भी विंटर ग्लोव्स पहने हैं मोटे वाले. स्टिल आई कॉन्ट फील माई फिंगर्स. ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है. न्यूजीलैंड वेदर गेट्स रियली एक्सट्रीम. जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ते जाएंगे द वेदर विल गेट कोल्डर एंड कोल्डर. ये टाउन यहाँ पे खत्म हो गया. देखा आपने इतना छोटा टाउन है और ये मोटरवे स्टार्ट अगस्त सितंबर. वाह हिल गया मैं ट्रक की हवा की वजह से. सो अगस्त सितंबर इज़ अ पीक टाइम. सितंबर अक्टूबर के बाद ठंड थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है. कोशिश करेंगे कि हम विंटर में भी राइड करें. ठंड इज़ फाइन बट बारिश हो तो फिर राइड का मज़ा नहीं आता. कैफे से हम ज़्यादा दूर नहीं है. अनदर हाफ एन आवर एंड वी विल बी एट कैफे. ये रहा LNP कैफे. ये रहा न्यूजीलैंड का एम्बुलेंस. कोविड में बेचारे बहुत बिजी थे. चलो पेट पूजा करेंगे अभी. आर यू राइडिंग गुड अप टू योर स्टैंडर्ड्स? या वेरी गुड. नाइस. यू हैप्पी? आई एम हैप्पी. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय शे बाय डॉक्टर बूसा. No, it is quite big, so no sponsorship. Lunch is sponsored, by the way. Lunch is sponsored. क्या ये है स्पिनच? ये एक्सेंट है. ये आपको अगर समझ नहीं आता दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम. आस्किंग व्हाट इज इट. हां व्हाट इज इट? स्पिनच. व्हाट इज द एक्चुअल नेम एक्चुअली? स्पिनच. Let me have a look at it. It's your problem, you don't understand. It's your problem if you don't understand the kiwi accent. Is it a quiche or is it a... Yeah. Spinach and feta tart. Tart? Chal nahi raha. Bhi camera pakad lijiye. Achha. On kar diya. Ye dekho. Sharma ji ne kaam dhandhe pe laga diya. Abhi acting karenge. On to kar do. Action. So guys, abhi maine order kiya hai spinach aur last name batayenge. And feta tart. To abhi hum khayenge ye spinach. Beep. Aur... एक्चुअली इसे ऐसे खाते हैं. राइट साइड में पकड़ के चमचा और ये छुरी. चमचा तो है ही नहीं. चमचा फंसाना है पहले फिर छुरी से ऐसे काटना. अरे पर चमचा पकड़ा ही नहीं आपने. फिर तो चमचे को ये हम चमचा ही कहते हैं. नूडल वाला चमचा. ये नूडल वाला चमचा है. तो अब हमने ब्रेकफास्ट किया. एक घंटे भर का ब्रेक हो गया. और करंगा के गोज इज़ अबाउट 8 किलोमीटर फ्रॉम हियर. उसके पहले हम जाएंगे $2 शॉप क्योंकि इनको लेनी है चार्जिंग केबल. आई होप कि यहाँ पे शॉप हो. ये अजय खरीद रहे चार्जिंग केबल जो वो घर पे भूल आए. लास्ट टाइम भी भूल गए थे तो मेरे से मांगी थी और मैंने इनको अपनी लाने बोला तो मेरे भी भूल गए. क्या क्या बात है. पर $2 शॉप बोला था $6 बेच रहे. एनीवेज चलो करंगा हके गोज. और हम करंगा हके गोज पहुंच चुके हैं. विल वेट फॉर एवरीवन. यहां से जाना है राइट एंड देन वी विल गो फॉर वॉक. अभी ये जगह रेकमेंड की थी किसने? अजय. एजे व्हाट आर वेयर आर वी? हिस्टोरिक रिच गोल्ड माइनिंग साइट. यू नो व्हाट द फैक्ट इज अबाउट दिस? देयर इज मोर सिल्वर देन गोल्ड ऑन द साइट. रियली? यस. चलो ये इनका इसका शर्मा जी का खत्म नहीं होगा. आप चलो तो हम कहीं कहीं नहीं पहुंचे. गोल्ड माइन में और ये हम बस हो गया खत्म. आज माइन ऊपर है बट हम जा नहीं सकते. ऑलराइट सो द वॉक हैज स्टार्टेड. आगे बहुत है. कितने मिनट का वॉक है ये? 45-50. ऐसा करेंगे तो दो घंटा. ये रही जय वीरू की जोड़ी. फर्क यह है कि एक जय है राजस्थान से और वीरू है मलेशिया से. शे इज ऑलरेडी स्वेटिंग सो लेट्स स्टार्ट वॉकिंग. ओके. शे लव वॉकिंग. इस जगह के बारे में कुछ पता आपको? सर ये पहले गोल्ड माइन थी. ये पहले गोल्ड माइन हुआ करती थी गाइस. तो अजय भाई हमें इसके बारे में कुछ आज बताएंगे. चलिए बताइए. बताइए ना ये कौन सी जगह है. बताइए चुप क्यों है? बताइए. अरे बोलो भी. This guy number one bullshit guy. ये बताएंगे भी ये कौन सी जगह है. जगह के बारे में तो जहाँ तक मेरे को पता है ये बहुत पहले वहाँ तक पता है. पहले रेंज बताओ. गोल्ड माइन हुआ करती थी और यहाँ पे जो मशीन्स थी वो बहुत लाउड थी. तो यहाँ के आसपास की पब्लिक जब ये बरस रहा था गांव आसपास तो यहाँ की पब्लिक ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था मशीन बंद करने के लिए. तो यहाँ पे थोड़ी दंगे वंगे हो गए थे.
तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे माइन को बंद किया था और यहाँ से बंद करके शिफ्ट की थी इन्होंने थेम्स में, जो थेम्स गोल्ड फील्ड माइन के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन यहाँ पे है वो है, जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक टनल है, जिस टनल में से पहले वो निकलती थी, ट्रेन निकलती थी, मतलब जिस टनल में पहले कोल वाली ट्रेन निकलती थी उस टनल को अपग्रेड करके इन्होंने पैसेंजर ट्रेन बना दिया था, जहाँ से पैसेंजर ट्रेन निकलती थी। बट आफ्टर सम टाइम न्यूजीलैंड ने ट्रेन्स बंद करके ये वाला रास्ता, सिर्फ ओनली एक रास्ता छोड़ा है जो कि अभी चल रहा है ऑकलैंड टू वेलिंगटन वाला, तो अभी यहाँ पे लोग बस देखने आते हैं। तो यही स्टोरी मेरे को जहाँ तक पढ़ा मैंने, मेरे को समझ आया, बाकी हम आगे बोर्ड पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे सोना अभी भी है या नहीं है? सोना सर कहते हैं कि अगर आप पहाड़ों में जाओ डिटेक्टर्स वगैरह लेके, यू मे फाइंड लिटिल बिट रॉक्स जिसके अंदर सोना हो सकता है, तो इसलिए मैं बहुत क्यूरियस था यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लाने के लिए। बट हम आज मोटर बाइक पे आए, अगली बार बताते हैं कि ये जो पत्थर है यहाँ पे इसमें बहुत सोना होता है, इन पत्थरों में कई बार सोना निकल सकता है। तो ये जो स्ट्रीम है ये पत्थर काटती आती है, पिछले हज़ारों सालों से बह रही है ये। तो क्या होता है, जब पानी पत्थर पे से निकलता रहता है तो पत्थर पिघल गल जाता है, तो उसके अंदर से सोने के फाइन पार्टिकल्स कई बार हमको पानी के आसपास नदियों और लहरों के आसपास मिल सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे नहीं, बट एक बटरफ्लाई क्रीक करके जगह है, वहाँ पे लास्ट ईयर एक लेडी को गोल्ड का पत्थर मिला था अराउंड $80,000 का। तो यहाँ पे भी अगर मैं कहता हूँ अगर हम शिद्दत से ढूंढें तो हो सकता है हमें भी कुछ मिल जाए। कब शुरू करनी खुदाई? सर जी अगली बार आ जाते हैं गाड़ी लेके मेटल डिटेक्टर लाके। थैंक यू वेरी मच, नो वरीज, वेरी नॉलेजेबल। ओह सॉरी, वी डिडंट सी यू, सॉरी फॉर दैट। ट्रैफिक जाम कर दिया आपने तो शर्मा जी के साथ। सो ये है टनल जिसके बारे में अजय जी ने पहले बोला था, और कुछ सर ज्ञान बरसाओ हमारे पर। ये जो अभी आप छत पे काला काला देख रहे हो, बताते हैं कि उसी टाइम का है जब ट्रेन चलती थी। ओह सो अभी तक उसका क्या बोलते हैं, जो काला जो डीजल से निकलता है, ओह उसकी वो अभी तक उसका कार्बन। और बताते हैं कि जब ट्रेन यहाँ चलती थी तो ट्रेन के आने से कुछ सेकंड पहले उसका ऑलरेडी धुआं बाहर आने लग जाता था टनल से, क्योंकि टनल में वैक्यूम बनता था ट्रेन के साथ। आजकल के मॉडर्न टनल में आपने वो पंखे देखे होंगे, वो क्या करते हैं, वो गाड़ियों का एग्जॉस्ट और हवा जो है वो निकाल देते हैं वहाँ से, तो वैक्यूम नहीं बनता। बट उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो ट्रेन का धुआं होता था वो टनल में से बाहर आ जाता था, तो लोगों को ऐसे पता लगता था कि ट्रेन आ रही है, नो अलार्म नथिंग, तो धुआं देख के लोगों को पता लग जाता था। तो वो कुछ सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले टनल की शेप का धुआं निकलता था। कहाँ पढ़ा है सब आपने? सर जी रिसर्च कल रात को। नाइस, हमें भी ये रिसर्च करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कहीं जा रहे हो तो पता करके जाओ, जगह के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उसको एंजॉय कर सको। मुझे सिर्फ गोल्ड माइन के बारे में पता था, पर मैंने इतना नहीं पढ़ा। आई न्यू दैट देयर वाज अ गोल्ड माइन हियर जो कि बंद हुआ, और वो आई थिंक वही में इट्स अ पेड़ वही में भी पे हां वही में भी है एक पेड़ और एक थिंक में भी है पेड़, तो थिंक वाला है वो बहुत बड़ा है। इवन दो ये आप जो पानी देख रहे हैं, ये सारा पानी कोई नाली से नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा पर पानी है। हां ये साइड में जो पानी है दोनों साइड, ये भी नेचुरल पानी है, दीवारों के थ्रू बाहर आ रहा है पहाड़ पे जब बारिश वगैरह होती है। इट्स अ लॉन्ग वॉक, कितना किलोमीटर का ये? एक डेढ़ तो होगा, $1.5 तो होना चाहिए। वी कैन सी द लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल। चलो बाहर निकलते हैं और फिर घर चलेंगे, अपने को लंच करने मिलेगा क्योंकि बारिश, वेदर फोरकास्ट बता रहे बारिश होने वाली है। सो दिस इज ऑल नेचुरल वाटर, नेचुरल वाटर, आई थिंक यू कैन कॉल देम, कॉल दैट फ्रेश वाटर टू। चलो अभी बाहर चलेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Very good, long walk. The first time I experienced a biker, also a hiker. So hiker, we are a bike hiker. कैसी रही आज की राइड? भक्तों की कम और सच्चाई ज़्यादा, please. बहुत ही मज़ा आया, हमने फन किया, काफ़ी ट्रैकिंग की, और ये जो ग्रुप बन चुका है ये बन चुका है ट्रैकिंग कम बाइक राइडिंग। बाइक राइडिंग रह गई है 2%, बाकी साला पेड़ों में ही घूमना पड़ता है, साला काट देना, साला तो रहेगा नहीं रहेगा। और सबसे ज्ञानी इंसान तो हमारे यहाँ पर है जो सारा रिसर्च करके आए थे, आपका क्या कहना है सर? सर जी जैसा हम सोच के आए थे घर से उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आए यहाँ पे फैमिली के साथ, आके फन करें, अच्छा ट्रिप है, और आने से सोना ज़रूर ढूँढें।
And today's video is sponsored by Dr. Buza because he was late, so he's going to sponsor our lunch. He's going to sponsor the lunch because he was 1 hour late. This fellow, this guy who is hiding, 1 hour late. This guy. Yeah. This one. The one who's drinking the water. This one. तो हम करंगा गॉज से अभी निकल रहे हैं. द फर्स्ट थिंग वी गोना डू इज लंच करने वाले हैं. बहुत भूख लगी है. कैफे ज़्यादा दूर नहीं, इट्स ओनली 7 किलोमीटर्स. वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था. चलो भाई लोग, लंच हो गया, अब घर जाने का टाइम हो गया. शर्मा जी जोक पे जोक मारे जा रहे हैं आज. हैं क्यों? ना ना, दिस गाय आई नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम. सो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बुसा बॉय because we had to pay for our own lunch and he was late today. Careful, my bike. All right. Iske baad seedha ghar jayenge. Sab apne apne ghar. Koi meet up point nahi, seedha ghar na. All right. Let's go. Sharma ji. Milte hain. Pani hai aapke paas? Abhi bag kholna padega yaar. Are yaar, chalo pyaase ko pani pilaye. Hello. Anyways, guys, aaj ke liye itna hi. फिर मिलेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. राइट सेफ एवरीवन. सी यू गाइस वेरी वेरी सून. सर जी हैप्पी जर्नी. हैप्पी जर्नी बोला. आराम से राइड करो. एंजॉय योर साउथ आइलैंड. हाँ अभी कहाँ रुकना है? अभी तो डायरेक्ट निकलेंगे. अच्छा चलो. अच्छा अच्छा ठीक है, चलेंगे. बस राइड सेफ. ओके चलो. सो अजय जा रहे साउथ आइलैंड. ही इज़ लिविंग टुडे. और 2 हफ्ते का ट्रिप है उनका. सोलो ट्रिप ही मार रहे हैं. सो वी विश हिम द सेफ जर्नी. साउथ आइलैंड मेरे भी लिस्ट में है, पर पता नहीं कब जाना होगा यार.